हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। इस फोर्थ एपिसोड के 10 वर्ड्स को डिस्कस करने के लिए आई एम क्वाइट ईगर टू स्टार्ट विद यू। आज के वर्ड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एमिनेंट। इसका मतलब होता है नामचीन। नामचीन का मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा रेपिटेशन जिसने अपनी कमाई हो। फॉर एग्जाम्पल, एमिनेंट डॉक्टर हो सकता है, एमिनेंट टीचर हो सकता है, एमिनेंट इंस्टीट्यूट हो सकता है, राइट? आई एम श्योर आपके सिटी के अंदर कोई ना कोई एमिनेंट डॉक्टर है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मिस्टर चावला इज़ एन एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट। नंबर टू, हैव अ हैक्टिक शेड्यूल। वेरी कॉमन वर्ड, आप सब जानते हैं जब आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है तो आप हैव अ हैक्टिक शेड्यूल कह सकते हैं। आप में से जितने लोग मार्केटिंग के लोग हैं, जितने लोग टीचिंग वर्ल्ड में हैं, यू नो पर्सनल ट्यूटर्स हैं, जिम रन कर रहे हैं, आप सबका शेड्यूल कई बार काफ़ी हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि इनफैक्ट जिम ओनर्स को मॉर्निंग में भी जाना होता है, इवनिंग में भी जाना होता है, और आफ्टरनून कई बार इनफैक्ट यू नो उतनी वर्किंग की नहीं रहती है। नेक्स्ट वन, नंबर थ्री इज़ सिंटिलेटिंग। बहुत प्यारा वर्ड है। इसका मतलब है कोई भी चीज़ जो मज़ेदार है, रोचक है और इंटरेस्टिंग है। इसके साथ आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, जैसे हैव अ सिंटिलेटिंग डे, हैव अ सिंटिलेटिंग टाइम, हैव अ सिंटिलेटिंग जर्नी। अब आप सिंटिलेटिंग वर्ड के साथ किसी व्यक्ति को भी सिंटिलेटिंग कह सकते हैं, आप इनफैक्ट किसी एक्सपीरियंस को भी सिंटिलेटिंग कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए आप सिंटिलेटिंग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसके स्पेलिंग बड़े आसान है, टिल TILL और उसके बाद लेटिंग लगाना है। तो सोचिएगा, एक एल से जो डबल एल है उसका एक वाले एल से लेटिंग हो गया, सिन, बस सिन के बीच में सी लगा देना है एस के बाद। तो अपने हिसाब से आप अपने तरीके यू नो बना सकते हैं चीज़ों को याद करना। नंबर फोर, फ्री व्हीलिंग एटीट्यूड। फ्री व्हीलिंग का मतलब होता है केयरलेस एटीट्यूड। तो आप इसकी जगह केयरलेस बिहेवियर, केयरलेस एटीट्यूड की जगह फ्री व्हीलिंग एटीट्यूड, फ्री व्हीलिंग बिहेवियर कह सकते हैं। माई सिस्टर हैज़ अ फ्री व्हीलिंग एटीट्यूड, माई ब्रदर हैज़ अ फ्री व्हीलिंग यू नो बिहेवियर। तो अगर आपके घर में किसी का फ्री व्हीलिंग बिहेवियर या एटीट्यूड है, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा सेंटेंस बना के लिखिएगा, राइट? नेक्स्ट वन, लमेंट। इसको लेमेंट तो लिखते हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लमेंट। लमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का दुख मनाना या किसी चीज़ का शोक मनाना, राइट? किसी की मृत्यु पे, डेथ पे भी आप शोक मना सकते हैं, और किसी की इनफैक्ट कोई सफरिंग है, कोई परेशानी है, उसके ऊपर भी आप लमेंट कह सकते हैं। Everybody lamented the death of Gandhiji. I lamented my uncle's death. I lamented the business loss. आप इस तरीके से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। All right everyone. Next one. Paramount reason. यानी कि सबसे महत्वपूर्ण reason. अब paramount एक adjective हुआ, इसके बाद आप reason लगा सकते हैं, paramount reason हो सकता है, paramount सिचुएशन हो सकती है, पैरामाउंट कॉजेज हो सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ COVID-19 के फैलने का पैरामाउंट रीज़न क्या है, चाइना की नेग्लिजेंस, राइट? और उसका अपनी गलती को एक्सेप्टेंस में ना लाना। नंबर सेवन, हमारे पास ये अमेजिंग वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रवोक, मीन्स उकसाना, और प्रोवोकेटिव का मीनिंग होता है भड़काऊ, यानी कि ऐसी बातें जो भड़काऊ हैं। तो उसने मुझे भड़काया, ही प्रोवोक्ड मी। उसने भड़काऊ भाषण दिया, ही डिलीवर्ड या ही गेव प्रोवोकेटिव स्पीच। तो आप देखते हैं अक्सर पॉलिटिशियंस हमेशा प्रोवोकेटिव डायलॉग्स बोलते हैं, जो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, खुखार। खुखार एक एनिमल के लिए भी यूज़ हो सकता है, एक ह्यूमन के लिए भी यूज़ हो सकता है। ये वर्ड है फरोशस, फरोशस, राइट? तो इसे फेरोशियस नहीं कहेंगे, फरोशस। लायन इज़ अ फरोशस एनिमल, राइट? नाइट में कई क्रिमिनल्स या कई लोग ऐसे हैं जो फरोशस हैं। कई लोग क्राइम करने के बाद लोगों को इनफैक्ट जान से तक मार देते हैं, जिससे कि उनका नाम किसी भी प्रकार से ना पाए। ऐसे लोग बहुत फरोशस होते हैं, राइट एवरीवन? नेक्स्ट वन, रिफ्यूट समथिंग, यानी कि किसी बात को गलत साबित कर देना, इन द आइज ऑफ द कोर्ट ऑल्सो, या आप जनरली जब किसी बात को यू नो डिनाई कर दें, तो डिनाई वर्ड की बजाय आप रिफ्यूट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा तुम उससे जितना बोल लो,
वो तुम्हारे सारे ब्लेम्स को रिफ्यूट कर देगा. ही विल रिफ्यूट ऑल योर ब्लेम्स. रिफ्यूट का एक्चुअली मीनिंग हुआ किसी चीज़ को नकार देना, मना कर देना. राइट एवरीवन. नेक्स्ट वन दैट इज अनिच्छुक, यानी कि जब आपकी इच्छा नहीं है, जब आपका मन नहीं है, तो आप रिलक्टेंट हैं और डेफिनेटली. और जब आप उस काम को अनिच्छा से करते हैं तो आप उस काम को रिलक्टेंटली करते हैं. प्यारे वर्ड्स हैं दोनों, आप यूज़ कर सकते हैं. मैंने कहा आज कल घर में बच्चों को आप छोटा सा काम बता दो, वो पढ़ रहे हैं तो अभी तो पढ़ रहा हूँ, फिर आपने ये काम दे दिया, तो हर काम को रिलक्टेंटली करते हैं. दे डू एवरीथिंग रिलक्टेंटली और हर समय आलस भरा रहता है. राइट. सो दे आर ऑलवेज रिलक्टेंट. आप काम वाली को कोई भी काम बता दें थोड़ा सा कि ये ज़रा कुर्सी और टेबल हटा के झाड़ू लगा दो या पोछा लगा दो, तो हमेशा रिलक्टेंट रहती है. राइट. ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने घर के आसपास जो चल रहा है उसके अंदर इन वर्ड्स को कहीं ना कहीं फिटमेंट में लाने की कोशिश करिए. रिमेंबर कैसे करना है, टॉपसी टर्वी तरीके से, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ. आपको ये वर्ड्स कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कम से कम दो वर्ड्स के साथ एक छोटी सी स्टोरी बना के लिखिएगा. ऑल दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस एपिसोड से रिलेटेड स्टोरी भी मिलेगी, उसका लिंक और उसकी हिंदी टू इंग्लिश का भी लिंक. राइट. आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप प्लीज़ लगातार हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर किया करिए, सो दैट हम आपकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से और वीडियोस वैसे बनाएं. आने वाले कुछ वीडियोस में हम आपके साथ आपके पेट डायलॉग्स और कॉमन बोलचाल के एक्सप्रेशंस या फिर यूज़फुल एक्सप्रेशंस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. आपके भी मन में कोई हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपको उसकी इंग्लिश बताएं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू सो मच. It was a nice time. Bye-bye.